अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कुछ टिकटॉकर स्टारों को पंजाब हाउस बुलाया गया और इस पे मीडिया पे बहुत बहस चली कि आखिरकार टिकटॉकर स्टारों को पंजाब हाउस क्यों बुलाया गया, डॉक्टरों को क्यों नहीं। जाने के लिए वीडियो को पूरा देख लीजिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी नाजरीन, हर किसी के जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार टिकटॉकर स्टारों को क्यों बुलाया गया और डॉक्टरों को क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है कोरोना वायरस के हवाले से बनिस्बत टिकटॉकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि कौन सा टिकटॉकर गवर्नर हाउस बुलाया गया था। उसमें शामिल था ज़रकानैन हैदर, कनवन अल्ताफ, सहर हयात, हसर अली और मिनाहिर मलिक शामिल थे। जी नाजरीन, सोशल मीडिया पे ये बहस चली थी कि आखिरकार डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया गया था और टिकटॉकर को क्यों बुलाया गया था। नाजरीन, अगर टिकटॉक के हवाले से बात किया जाए, दुनिया भर में टिकटॉक का इस्तेमाल पाकिस्तान दूसरी नंबर पे है। अगर इन टिकटॉकरों की बात किया जाए तो इन टिकटॉकरों के साथ 3 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं, तो इन सब टिकटॉकर को एक अच्छा खासा वीवर हासिल है। तो पंजाब गवर्नर हाउस में इन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि ये लोग अपनी तरीके से लोगों को ये पैगाम पहुंचाया जा सके कि कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से कैसा बचा जा सके। तो इसमें गलत कौन सी बात है कि जो लोग इस पे बहस करना चाहते हैं। मेरा तो सवाल उन लोगों से ये बनता है कि इसमें गलत कौन सी बात है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, ये लड़ाई हर आवाम हर फील्ड के लोगों की है और हर फील्ड के लोगों को ये ज़रूरत है कि लोगों का खिदमत करना। नाजरीन, अगर इस हवाले से इन सब टिकटॉकरों को बुलाया गया था तो एक अच्छी सोच है, एक अच्छी बात है, क्योंकि इन टिकटॉकरों के साथ एक अच्छा खासा व्यूअर हासिल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो जंग है ये हम सब का जंग है, ना सिर्फ डॉक्टरों का जंग है, हम सब का जंग है। हम सब पे फर्ज है कि इस जंग से लड़े और मुकाबला करें, चाहे वो टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो या डॉक्टर, हम सब पे फर्ज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते रहेंगे एक नए वीडियो में।